अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर तो चार लाइन लिखी है, बिल तो अब आया है, बिल अभी भी पूरा सर्कुलेट नहीं हो रहा, बिल के अंदर तो सारी चीज़ लिखी है, बिल के अंदर उसकी जो उसके रूल रेगुलेशन उस बिल को लाने का उद्देश्य जब भी तो पता लगता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी बिल नहीं दिखा रही किसी की, आज भी अध्यादेश दिखा रही है, बिल के अंदर बहुत कुछ होता है। और हमने अपना एक मत बनाया, हमने सरकार के सामने भी अपना मत रखा, हमने पार्टी फॉरम में भी मत रखा, और अपनी बात रखने के लिए समय लगता है। हमने उनसे कई कई बार उनसे मिलकर के समय बताई कि भाई बिलों के अंदर खामियां हैं और ये बिल किसान के विरोध में है, और हमारा ऐसा मानना है कि जब तक प्रदेश के अंदर MSP गारंटी ना हो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसान को सेफ गार्ड ना हो तब तक किसान का बचना मुश्किल है, कमेरे का बचना मुश्किल है। ये व्यवस्थाएं लागू करो, आप करवाओ या प्रदेश के अंदर करो, ये बात हमने कही, लेकिन बात नहीं सुनी गई सर। देखो ये तो आपका आकलन है, बाकी तो आज अगर लाभ के पद अगर चेयरमैन की जो वो फैसिलिटी लगाओ और जो फैसिलिटी दूसरी लगाओ वो तो मेरे बेटे को मिली हुई है, हमने उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ते, अगर सत्ता का लालच होता उसको भी छोड़ते, वो भी तो क्लास 1 प्रोटोकॉल में है, उसको भी छोड़ते। MSP डिक्लेयर करने से ये थोड़ी होगा मैं MSP खरीदूंगा, MSP डिक्लेयर कर दिया, कोई ये तो नहीं कह रहे कि MSP पक्का खरीदेंगे। आप बिल लाने के बाद पहले तो ये तय था कि मंडी के अंदर चीज बिकेंगी, अब आपने कह दिया मंडी के बाहर भी आप खरीद सकते हो, पर ये प्राइवेट को कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहली बार हुआ है। पहले तो रेट पड़ती थी, अगर मंडी के बाहर बिकती थी जो महकमे के लोग जुर्मान लगाते थे, पेनल्टी लगाते थे, अब आप लोग छूट कर दी कि मंडी के बाहर खरीदो, तो मंडी में आएगा कौन, मंडी में MSP मंडी में आएगा कौन, किसान मंडी में जाएगा, MSP की जरूरत होगी, MSP की जरूरत नहीं, MSP की जरूरत मंडी 1-2 साल में खत्म होगी, रेवेन्यू मंडी में आना नहीं। प्रदेश के ऐसे कितने, प्रदेश की ऐसी कितने हैं जो बगैर रेवेन्यू के कोई चला पा रहे। आप प्रदेश के अंदर जो रिटायर हुए कर्मचारी जा रहे हैं उनके बिल उनके पदों को सरेंडर कर रहे हैं, आपके पैसा 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा आपके हो चुका है, 880 करोड़ का लगभग 700 से 800 करोड़ जो रेवेन्यू आपको मार्केट कमेटी द्वारा आता था वो आपका खत्म होने जा रहा है। आपके पास पैसा पहले नहीं, आप कहाँ से सस्टेन करोगे? क्या आप नहीं मानते कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा नहीं निकाल रहा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर क्या कर रही है, कितने PSUs को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर दे दिया गया, यही तो ये करने वाली है, ये सारी व्यवस्था प्राइवेट हाथों में सौंप करके इस देश को पूंजीपति व्यवस्था में तब्दील करना चाहती है, इसके विरोध में हम हैं। सर आज पंजाब विधानसभा ने इन तीनों कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और MSP गारंटी और शायद MSP खरीद नहीं होने पे 3 साल तक की पनिशमेंट, 5 साल तक की पनिशमेंट की डिमांड की, आपको लगता है सेंटर इसके ऊपर ध्यान देगा? पर पंजाब सरकार ने, पंजाब की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपना फर्ज निभाया है, हरियाणा के लोगों का भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, फिर देखते हैं कि केंद्र वाले अपना फर्ज निभाते हैं कि निभाते हैं, ये बात की बात है। आज उन्होंने अपना दायित्व निभाया किसान हित के अंदर, यहाँ की सरकार को भी चाहिए जिस प्रकार पंजाब ने कानून बनाया है उसी प्रकार यहाँ भी कानून लेकर के किसानों के हित को सुरक्षित करे। सर एक JJP को भी कह रहे हैं कि किसानों से वो किसान मुद्दों को लेकर उनको सरकार से गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। देखो JJP अगर अपना दायित्व समझती है, अपनी घोषणाओं को समझती है, अपनी जो जो उन्होंने बात अपनी रखी है, जिस परिवार से वो है उनको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। सर पिछले दिनों इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला ने कहा था कि पार्टी के कुछ नेता जो उनको छोड़ के गए थे वो उनको वापस आने का जो है उनसे संपर्क साध रहे, हालांकि उन्होंने संपत सिंह का नाम लिया था, लेकिन जब आपके बारे में और रामपाल माधव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ बता दें। आप आपके नाम से इग्नोर भी तो नहीं किया ना उन्होंने, तो क्या आपकी किसी तरह की बात चल रही है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत बड़े कमीने वर्ग के नेता हैं और राजनीति में हम इतने पिछड़े नहीं हुए हरियाणा के लोग कि एक दूसरे के सुख दुख को नहीं जानने जा पाए। आज मिलना भी होता है, राजनीतिक चर्चा नहीं होती, ना राजनीतिक चर्चा अभी हुई, बहुत बड़े नेता है और जो उन्होंने कहा है मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करके किसी की शोभा खराब नहीं करता। अगली रणनीति क्या होगी, कब तक फैसला हो जाएगा? रणनीति मेरे साथियों के साथ गहन विचार विमर्श करके जो भी फैसला साथी लोग करेंगे उसी हिसाब